please welcome Telugu Titans. Telugu Titans का शुमार उन टीमों में है जो अब तक अपने नाम एक भी खिताब नहीं जोड़ सके हैं। शुरुआती अगर चार सीजन आप उनके देख लें तो उनका प्रदर्शन बहुत हद तक बेहतर रहा। दो बार प्लेऑफ्स में खेले लेकिन पिछले पांच सीजन में उन्हें पहले प्लेऑफ्स की तलाश है और इस सीजन में इस बार पवन सहरावत मौजूद है। क्या वो अहमदाबाद में तेलुगु टाइटंस की किस्मत को बदलने वाले हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और जहां तक तेलुगु टाइटंस की ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 का सवाल है, नजर दौड़ा लेते हैं पवन सहरावत टीम के सबसे जाबाज रेडर। इस टीम का पूरा दारोमदार पवन सहरावत पर और डिफेंस संभालेंगे परवेश भैंसवाल। ओंकार मोरे एक युवा लेफ्ट कवर टीम में इंक्लूड किए गए हैं। अजीत पवार और रजनीश और इसके अलावा हामिद और संदीप भुल ये टीम के कॉर्नर्स होंगे। आपके पास मौका है अपनी टीम तैयार करने का। गिव इट अप फॉर द होम टीम सुल्तान फजल अत्राचलीज गुजरात जायंट्स। जंगलों सा जुट बन के करता है गुजरात जायंट्स। अपने पिछले सीजन को भूलना चाहेगा, बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, चाह करके भी पिछले सीजन उनके डिफेंस ने उनको धोखा दिया। लेकिन इस बार डिफेंस कहीं ज्यादा मजबूत। क्या इस डिफेंस के साथ गुजरात जायंट्स अपने पिछले सीजन की कमी को पूरा कर सकेगा? गुजरात जायंट्स जब से प्रो कबड्डी लीग में शामिल हुआ है लगातार बेहतर कर रहा है। पीकेएल 5 और 6 में ये टीम रनर्स अप थी, यानी कि फाइनल तक का सफर इसने तय किया था, लेकिन उसके बाद से इसे मौका नहीं मिल सका है। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 गुजरात जायंट्स की। एचएस राकेश टीम के मेन रेडर हैं और जहां तक कवर्स का सवाल, सौरभ गुलिया जिम्मेदारी संभालेंगे। अरकम शेख, रोहित गुलिया और मोहम्मद नबी बख्श ये ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे और दो डिफेंडर फजल अत्राचली सोमवीर जो के पुणे में थे इस बार गुजरात के साथ। आपके पास मौका है अपनी टीम को बनाने का। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का आगाज हो रहा है। आज पहला मैच है अहमदाबाद में जहां गुजरात जायंट्स भिड़ रहे हैं तेलुगु टाइटंस से। टॉस हो चुका है, तेलुगु टाइटंस ने टॉस जीता है। लाइन ड्रॉन गेम ऑन खेल कबड्डी। 10 कबड्डी, 9 कबड्डी, 8 कबड्डी, 7 कबड्डी, 6 कबड्डी, 5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी। गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस पहला मुकाबला सीजन 10 का। मैं हूं संजय बैनर्जी, आप सभी का अभिवादन। और मेरे साथ मौजूद हैं जाने वाले कबड्डी प्लेयर ऋषंक देवडिगा। ऋषंक देवडिगा आपका स्वागत। आगाज हुआ सीजन 10, पहली रेड पर आए हैं। प्रो कबड्डी इतिहास के एक सबसे बड़े खिलाड़ियों में से जिनका शुमार है हाई फ्लायर पवन सहरावत 987 रेट पॉइंट। वेलकम ऋषंक। आते ही बोनस ले लिया है दादा, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है पवन में। डीप जाके वो पहला बोनस, बहुत ही सही शुरुआत की है पवन ने। पूरी तरह से फिट पवन एक बार फिर आपके सामने है सीजन 10 के आगाज मैच में। क्या जबरदस्त बैटर्स पवन सहरावत का। 1 पॉइंट सुमीर ने गए डिफेंड करने के लिए, सौरभ गए थे एडवांस टैकल के लिए, जज किया बॉक लाइन के बाहर ये कांटेक्ट करने की कोशिश और पवन को स्ट्रगल में से एक पॉइंट लेके लौटे। रोहित गुलिया को एक पॉइंट मिल चुका है, वो भी पवन सहरावत को बाहर करने में कामयाब रहे। और ये डाइव करके पवन की कोशिश थी कि रोहित गुलिया को आउट करे, बट रोहित गुलिया निकल गए वो एस्केप करके। रजनीश एक बार फिर गए हैं रेड पर, 7 का डिफेंस है। रजनीश से बहुत उम्मीदें हैं एक अच्छे रेडर। और यहां अचानक एक्सेलरेट किया, सोमवीर पर किक लगाई और बढ़िया तरीके से राइट कॉर्नर सोमवीर को बाहर कर दिया। तेलुगु की टीम बहुत अच्छी दिख रही है और पवन वापिस आए मैट पे। एच
एचएस राकेश एक बार फिर उन्होंने पॉइंट लिया, यहां पर बाहर कर दिया ओमकार मोरे को। पवन सहरावत बाहर बैठे और अंदर आ गए, कंप्लीट डिफेंस है। राइट कवर पर नजर रखनी होगी और एक बार फिर गलती कर गए। जर्सी नंबर 4 सौरभ गुलिया, बाहर जाना पड़ेगा सौरभ को। दादा टारगेट किया है राइट कवर को, पता है सौरभ गुलिया एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि ये टैकल पे आएंगे और दो बार सक्सेसफुल रहे पवन शेरावत। और इस बार मुझे लगता है कि वो एमटी लौटना पसंद करेंगे। ये पहला टैकल पॉइंट, एंड क्या टैकल किया है, शेर की शेर से टक्कर, दहाड़ की दहाड़ से टक्कर पवन सहरावत को फजल अतराचली ने, दर्द बचा। कोच राम मेहर अपनी टीम को बेहतरीन बनाया है इस सीजन, लेकिन देखना होगा कौन किसके पार जा पाएगा। और दूसरी तरफ हमारे मित्र श्रीनिवास रेड्डी, कोच तेलुगु टाइटंस, पिछले सीजन तक हमारे साथ यहां कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन अपने आप को मैच से दूर नहीं रखते, खेल के बीचों बीच है, ज्यादा मजा आ रहा है। बेहतरीन शुरुआत सीजन 10 की, बिल्कुल एकदम धुआंधार शुरुआत हुई है। रजनीश आए हैं, रजनीश पर बहुत कुछ दारोमदार होगा इस टीम का। और जिस तरह से रनिंग किक लगाई बहुत ही बढ़िया, आज सौरभ गुलिया का दिम दिखाई नहीं दे रहा है राइट कवर पर। ऋषभ बार बार टैकल हो रहा है, तीसरी बार बाहर हो चुके हैं सौरभ गुलिया, और ये रनिंग किक करके, इसके पहले सोमवीर को ऐसे ही आउट किया था। रजनीश बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये जो बिगुल आप सुन रहे हैं, इस बिगुल का अर्थ है कि ये डू और टाई रेड है। अगर ये बाहर होते हैं, अगर ये आउट होते हैं, तो पवन को अंदर आने का मौका मिलेगा तेलुगु टाइटंस की तरफ से। और इंतजार करना होगा क्योंकि गुजरात जायंट्स के रेडर्स कहर मच पा रहे हैं। वो सुनो, बहुत ही बढ़िया एस्केप, ये किक करने की कोशिश थी संदीप धूल पे, और अजीत पवार एडवांस आए, बहुत ही अच्छा एस्केप ये एचएस राकेश का। एक और डू ऑर डाई रेड इस वक्त तेलुगु टाइटंस की, और रजनीश बार बार टारगेट कर रहे हैं। इन इज आउट, यानी कि अब वन पॉइंट तेलुगु टाइटंस एंट्री करेंगे एक बार फिर। हार लाया पवन सहरावत, यही कमाल की बात है कबड्डी की कि आप हमेशा के लिए आउट नहीं होते, आउट हुए तो इन आने का मौका मिलेगा। जबरदस्त तरीके से साइड ऑन किक, राकेश एक बार फिर रेड पर, और अच्छी बात यह है कि पवन सहरावत पूरी तरह से फिट हो, एंकल लिया जरूर था लेकिन गजब का एंकल लिया वहां पर संदीप धूल ने। लेफ्ट कॉर्नर पर पहला पॉइंट लिया उन्होंने डिफेंस के अंदर, किक करने की कोशिश थी राकेश की, जज की, और वो डाइव लगा के रोके, साथ ही में शंकर गदई का सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया डिफेंस दिखा रहे तेलुगु टाइटंस की टीम। पवन सहरावत अंदर आए हैं, 5 का डिफेंस है, चली को चुनौती देंगे क्या, एक्सेलरेट किया, लॉबी में गए, सोमवीर को टच किया, कामयाब पवन सहरावत। 424 टैकल पॉइंट फजल अतराचली के, नंबर एक डिफेंडर है प्रो कबड्डी लीग इतिहास के। और इस समय रेड पर रोहित गुलिया, 5वीं रेड है रोहित गुलिया की, कंप्लीट डिफेंस है 7 का तकरीबन। प्रवेश भैसवाल बहुत कमाल के डिफेंडर, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश, लेकिन फिसल गए, स्लिप कर गए। कम से कम इस वक्त पे गुजरात की टीम, क्या बेहतरीन टैकल यहां पवन सहरावत ने, वन पॉइंट टैकल भी करके दिखाया। हमें क्या नहीं है वो जो कर सकते हैं पवन सहरावत, हमने पिछले सीजन में भी तो नहीं लेकिन उससे पहले कई बार देखा है, एंकल होल्ड भी करने के लिए लालायित रहते हैं, थोड़ा सा डिफेंस में बचना चाहिए। ये डू ऑर डाई है, पवन सहरावत की परीक्षा है, इस डू ऑर डाई में क्या वो वापस आएंगे, डिफेंस क्या उनको ललकारेगा, या पवन सहरावत ब्लॉक करने की
राजेश पवन फिर कामयाब। वन पॉइंट आज उन्होंने तकरीबन मजाक बना दिया है यहां पर राइट कवर पर मौजूद सौरभ गुलिया का। बिल्कुल गलतियां करवा रहे सौरभ गुलिया से, बार बार एडवांस टैकल पे आने के लिए ललचा रहे और वही गलती सौरभ गुलिया ने दोहराई। हर 30 सेकंड में हर पल यहां खेल का पूरा हुलिया बदल सकता है। यह कबड्डी का खेल है, हिंदुस्तान का खेल है, इंडिया की हर सांस का खेल है। मंत्रा सौरभ ओ प्रतीक दहिया को क्या डबल फाइव मारा और किसने किया? पवन सहरावत ने। आज तो अद्भुत ऑलराउंडर की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं पवन सहरावत। बिल्कुल दादा, जिम्मेदारी लेके खेल रहे हैं। उनको पता है कि प्रतीक दहिया हैंड टच के लिए आगे आ रहे थे और मौका देखते ही वो डबल थाई होल्ड करके प्रतीक दहिया को बाहर कर दिया। छोटे बच्चों के बीच में ये खेल और ज्यादा पॉपुलर, गली गली में। और ये देखिए फसल और पवन के बीच में ये जंग, वन ऑन वन, दो शेर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं और धर दबोचा। दो ईरानियों ने मिलकर पवन सहरावत को धर दबोचा। नवी बख्श और फसल, ये है रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से आप बच नहीं सकते। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, सिर्फ दो डिफेंडर्स थे, पवन सहरावत को संभाल लिया नबी बख्श और फजल अत्राचली, यानी कि ईरान का ये कॉम्बिनेशन काम कर गया पवन के खिलाफ। एच एस राकेश लगातार संदीप धुलपर के नजदीक जाते हुए अंदर चले गए, बहुत अंदर चले गए। शंकर गदई जानबूझ करके पीछे गए, एच एस राकेश को उन्होंने आमंत्रित किया, वो भी एंड लाइन से बाहर निकल गए। नंबर वन आउट। बिल्कुल दादा, शंकर गदई बैलेंस खो गए अपना और लॉबी के बाहर चले गए, उतने में ये टैकल कंप्लीट कर लिया गया। पूरी टीम का एक टीम वर्क दिखाई दिया उसमें। एक बार फिर वही दिलचस्प मुकाबला, पवन है, फजल अत्राचली सामने है, फजल अत्राचली गए दूसरी बार शिकार किया। बच नहीं सकते, अद्भुत प्रदर्शन। फजल की जकड़ से बचना अगर इतना आसान होता, रॉन्ग फुट पर गए। पिच परफेक्ट मोमेंट इस वक्त। ओहो, तू डाल दाव में पात पात, दोनों तरफ से अटैक ऑन हो चुका है और गुजरात ने इस गेम को वापस अपनी गिरफ्त में कर लिया है। सौरभ गुलिया रेट पर, यहां चार का डिफेंस और चार के डिफेंस में अंदर जाना पड़ेगा पॉइंट के लिए। अंदर गए, गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए, बिना स्ट्रगल के लॉबी में चले गए, बाहर जाना होगा सौरभ गुलिया को। कांटे की टक्कर यहां और कांटे की टक्कर इन दो कोचेस के बीच भी, बेहद अनुभवी राम मेहर जी और कमाल के वाइब्रेंट कोच और एक्सपीरियंस कोच है, प्रो कबड्डी लीग का हिस्सा पहले भी रह चुके हैं और गेम को बारीकी से समझते हैं। श्रीनी कमाल खेल रहे हैं रजनीश। जिस तरह से सोमवीर को उन्होंने दूसरी बार बाहर किया, वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और गति को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा रनिंग हैंड टच, ये राइट के कॉर्नर डिफेंडर हो या राइट के कवर डिफेंडर हो, किसको भी सेट होने नहीं दे रहे रजनीश। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑडियंस किसे सपोर्ट कर रही है। क्या बेहतरीन स्विंग नवी बख्श की तरफ से, पूरा का पूरा डिफेंस टूट गया नवी बख्श पे, नहीं बख्शेंगे उन्हें। ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह था, बीच में फंस गए नवी बख्श, पूरे के पूरे डिफेंडर्स ने घेर लिया। हैंड टच की कोशिश की पवन पर और ये चेन लेके आए शंकर गदई, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल। श्रीनिवास नए कोच है तेलुगु टाइटंस के, पवन सहरावत एक बार फिर से सुपर टैकल की सिचुएशन, फिर से एक बार सामने उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी फसल अत्राचली। रेडार देख लीजिए, रेडार में पवन सहरावत का नाम आ रहा है, फजल अत्राचली आ रहे हैं,
फजल अत्राचली के सामने पवन उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यही जाबाजों की आदत होती है, दो बार शिकार हुए तो क्या हुआ, हम चैलेंज करना नहीं छोड़ेंगे फजल को। और इसके साथ ही ये पहला हाफ यहां इस मुकाबले का समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, ये शतरंज की जो गोटियां हैं वो इस बिछाई जाती हैं इस प्रो कबड्डी के मैट पर। भी दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सोनू पहली ही रेड पर, सोनू जो के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे उन्हें धराशायी कर दिया गया। बस नहीं है, क्या ये फैसला बदलेगा? क्या रेडर सेफ हैं? क्या ये सीजन की पहली सुपर रेड होगी? अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। क्या हाथ, क्या उंगलियां क्रॉस की मैट पर, ये देखना होगा। फिलहाल विचार विमर्श चलता हुआ, कुछ बड़ा हुआ है यहां पर, विचार विमर्श चालू है ऑफिशियल्स के बीच में। क्या डिफेंडर्स पहले बाहर गए, क्या रेडर के साथ संपर्क नहीं हुआ डिफेंडर्स का, टीम रिव्यू भी है इनके पास। रेडर से 5 पॉइंट्स, बरसात हुई है पॉइंट्स की यहां, 5 पॉइंट्स। बिल्कुल, यहां रिव्यू ले रहे हैं टाइटंस। यस प्लीज, व्हाट इज योर चैलेंज? हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स? यू वांट रेडर सेफ या आउट? 5 पॉइंट्स नहीं है, ओके प्लीज। टीवी एम्पायर, तेलुगु टाइटन चैलेंज, नॉट मोर 5 पॉइंट्स। आर डिसीजन रेडर से 5 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। सीजन का ये पहला रिव्यू है और रिव्यू कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रिव्यू है। बोनस के लिए रिव्यू नहीं है, 5 पॉइंट्स के लिए रिव्यू है। पवन शेरावत ने कहा है कि यहां 5 पॉइंट नहीं हो सकते हैं। दादा मुझे ऐसे लगता है ये पहले बार जब हाथ मिड लाइन को क्रॉस कर चुका है, वो देखना पड़ेगा हमें। हाँ, और डिफेंडर का पैर भी क्रॉस हो चुका है, तो रेडर तो सेफ दिए जाएंगे, पर क्या मिड लाइन पर हाथ क्रॉस हुआ है, उनकी उंगलियां क्रॉस हुई है? और बिल्कुल क्रॉस हुई है दादा, लेकिन ऐसा लगता है कि 5 को जाना होगा। गुजरात जायंट्स रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर से 5 पॉइंट्स। गुजरात जायंट्स कैप्टन नो मोर रिव्यू, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। सुपर टैकल ऑन है, परवेश बैंसवाल लेफ्ट कॉर्नर पे, पवन शरावत को कम ना समझिएगा, वो भी कमाल के डिफेंडर है। एक टैकल पॉइंट उनके नाम, लेकिन खाली हाथ। जल्दबाजी कर बैठे पवन, संजीवी आए हैं इस समय, एक यंगस्टर जिन्हें हाल ही में टीम के अंदर शामिल किया गया है। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डर मत ले पंगा। चक्रव्यूह में बीच में जाकर के घिर गए और टीम हो गई ऑल आउट। और बढ़िया फॉर्म में, बढ़िया फॉर्म में सोनू जागलान, जर्सी नंबर 7 आउट। और यहां अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है खेल में, कमाल के कमबैक्स देखे हैं हमने। तेलुगु टाइटन ज्यादा पीछे नहीं, केवल 4 अंक पीछे है गुजरात जायंट से। सोनू एक बार फिर बढ़िया फॉर्म में, बढ़िया सुपर हेड लगाई है और ये फॉर्म कंटिन्यू है। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर 44 आउट। तुला डिफेंडर पर भरोसा नहीं का है। संदीप ढुल देखते ही रह गए, कहां पकड़ बनाए। पवन शेरावत डैश आउट, डैश आउट कर दिए गए पवन शेरावत। इसे डैश आउट नहीं, इसे क्रैश आउट कहना चाहिए, बिकॉज हाई फ्लायर ने टेक ऑफ तो किया लेकिन प्लेन क्रैश हुआ। और अभी डू और डाई रेड पर राकेश को भेजा है, सोनू को बचाया है। और बढ़िया छलांग यहां, लेकिन छलांग काम ना आई। तेलुगु टाइटंस संजीवी ने राकेश
राकेश को गोद में लपक लिया। दूसरा टैकल है ये संजीवी का, और यहां संजीवी भी गए। पवन सहरावत तकरीबन 11 मिनट से बाहर बैठे। रेडर आउट, 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स के। बोनस अटेम्प्ट की कोशिश थी, बहुत अच्छी तरह से जज किया, पोजीशन छोड़ के बोनस की कोशिश थी, जज करके ये नबी बख्श ने एंकल होल्ड करके टैकल सक्सेस किया। डिफेंडर्स ने भी कोई रिस्क नहीं लिया, और यहां सुपर टैकल ऑन परवेश। परवेश कम ऑन, कमजोर कड़ी साबित होते हुए परवेश भैसवाल तेलुगु टाइटंस के लिए। रॉबिन चौधरी अकेला खिलाड़ी, क्या किसी को रिवाइव करा पाएंगे? टच पॉइंट की जरूरत है, बोनस मिल जाएगा, बात बनेगी नहीं, ऑल आउट। आखिरकार पॉइंट जरूर मिला, लेकिन एक डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है यहां। आउट ऑफ बाउंड एंड लाइन, नो नो नो, राइट एंड सेफ प्लेयर इज नो इन द टर्न। अगर सेल्फ आउट है तो फिर एक प्लेयर अंदर आएगा। बोनस प्लस 1 पॉइंट यहां पर, एक सुपर टैकल और तेलुगु टाइटंस गेम में वापसी कर लेगी। क्या एक और सुपर टैकल देखेंगे हम यहां पर? सुपर टैकल कर लिए तेलुगु टाइटंस का, ये पहला सुपर टैकल, और ये सुपर टैकल है रॉफ सुपर टैकल, जिसमें मगर की जकड़ से रेडर बच नहीं सकते, वही देखने को मिला। वैसे तो बहुत कूल रहते हैं पवन सहरावत, टैकल हो गया पवन सहरावत, लेकिन एक खिलाड़ी सेल्फ आउट जरूर हुआ है। और कम सुपर टैकल एक तरफ, दूसरी तरफ डू और डाई, यानी कि बहुत ही मुश्किल समय, कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। हासिल हो गया, संजीवी को टैप किया, डू और डाई में सुरक्षित लौटे सोनू। पहला सुपर टेन पूरा किया सोनू ने, जो कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए। बदलत राचली पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ छलांग लगा, छलांग लगा ली है। ऑल आउट के बाद तो टीम ऑल इन हो जाएगी, लेकिन घर बनाने का मौका एक बार ही मिलता है, तो जब मौका मिले तो दिखा दीजिए कि ये दुनिया का नंबर एक खेल है। तेलुगु टाइटंस एक बार फिर ऑल आउट हो गए, और अब मुश्किलों का समय उनके लिए। 7 पॉइंट्स की लीड गुजरात जायंट्स के पास, और मुझे लगता है कि इस लीड को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट मिलेगा। चलिए यहां पवन ने कमाल किया जी, और अपने आप को बकायदा सैक्रिफाइस किया फजल अतराचली ने। वो जानते हैं कि मल्टी पॉइंट रेड नहीं होनी चाहिए, आते से ही फजल अतराचली ने डैश करने की कोशिश की पवन को। तारीफ है सोनू चकलान की, एक बार भी आउट नहीं हुए सुपर टेन लगाने के लिए, और ये एक बार फिर पॉइंट बैक के लगाई। संदीप ढुल खड़े रहे, और ये है ड्रीम 11 विनर, जिन्होंने ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट जीता था, मजा ले रहे हैं पूरे मुकाबले का। तो कुल मिलाकर आज के मुकाबले की कहानी, तेलुगु टाइटंस ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, लीड पर थे, लेकिन सोनू चाकलान की एक रेड ने पूरे मुकाबले को पलट दिया। पवन सहरावत की कुछ गलतियां हुई, और पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स ने जीता सीजन 10 का।